Hello everyone, this class is presented to you by Didymi IAS. So in the previous classes we have started Indian Constitution at Work class 11 NCERT and we have covered almost 7 chapters, and in this class we will be covering chapter 8. So first of all, let's have a look at the index of this book. And in total there are 10 chapters, and today we will be covering chapter 8, Local Governments. So after studying this chapter, you will be able to know the importance of local government bodies, the provisions made by the 73rd and 74th amendments, functions and responsibilities of the local government bodies. So in the previous chapters, we have covered central government, we have covered legislature, executive, judiciary. Also, we have covered various state government bodies, and now in this chapter, we will be covering local governments. We will cover the provisions that were made by 73rd and 74th amendments. These amendments, they are very important from local government's point of view. Also, we will cover the functions and responsibilities of the local government bodies. So, let's begin. So there are different levels of government. In the previous chapter, which was on federalism, we studied that there are two forms of governments. There is a unitary system in which there is only one level of government. That means the power is centralized. Centralized ka matlab hai ikatthi. जो पावर्स हैं वो पूरी की पूरी सारी जो पावर्स हैं वो सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास होती हैं, इसीलिए उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं. बट द अदर सिस्टम इज अ फेडरल सिस्टम. ठीक है, देर आर फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स. उसमें क्या होता है, जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं होती, किसी भी एक गवर्नमेंट के पास द पावर इज नॉट सेंट्रलाइज्ड. इनफैक्ट द पावर इट इज़ डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स है, और एक और गवर्नमेंट है जिसको हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स, वो गवर्नमेंट्स जो कि लोकल लेवल्स पे ऑपरेट करती हैं. ठीक है, तो मतलब देर इज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. पावर्स डिवाइडेड हैं, इकट्ठी नहीं है एक ही गवर्नमेंट के पास. पावर्स जो है वो डिवाइडेड है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के पास. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके पास अपनी पावर्स हैं. ठीक है, तो वो गवर्नमेंट्स जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, विलेज लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, उन गवर्नमेंट्स को हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स. सो द क्वेश्चन हियर इज कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है थी, हमने स्टेट गवर्नमेंट्स भी बना ली, ठीक है, देन व्हाई लोकल गवर्नमेंट्स? इतनी क्या ज़रूरत थी कि हमें एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाना पड़ा? सो द रीजंस आर दैट लोकल गवर्नमेंट इज़ गवर्नमेंट एट द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. लोकल गवर्नमेंट इज़ अबाउट गवर्नमेंट क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल. तो ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है, क्योंकि ये विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑपरेट करते हैं, इसीलिए दे आर क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल. एवरीबडी यू मस्ट नो कि आपके जो विलेज है उसके पंचायत कौन है. ठीक है, तो हम सबको एक हमारे जो एमपी और एमएलएज हैं उनके बारे में हमें इतना नहीं पता होता जितना हमें अपने सरपंच के बारे में. ठीक है, हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं उनके बारे में जितना हमारा कनेक्शन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा लोकल गवर्नमेंट्स के साथ होता है. क्यों? क्योंकि ये हमारे ज़्यादा क्लोज़ है. ठीक है, जो कॉमन पीपल हैं उनके ज़्यादा क्लोज़ है. ठीक है, एमपी एमएलए उन्होंने कभी आना है, ठीक है, ज़्यादा टाइम दे आर नॉट देयर. बट जो ये है, जो ये लेवल है गवर्नमेंट का, दे आर देयर ऑल द टाइम. ठीक है, दैट इज़ वाई दिस गवर्नमेंट इज़ क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल. और क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये क्लोजेस्ट है कॉमन पीपल के, दैट इज़ वाई उनको जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और उस लोकल एरिया के बारे में नॉलेज है, ठीक है, और जो लोकल पीपल हैं, ठीक है, उनके जो इंटरेस्ट हैं उसके बारे में इनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है. अब ये एक जो एमपी है, ठीक है, वो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी रूरल एरिया में क्या प्रॉब्लम है,
obviously that MP will not be aware of that problems in that manner the way the local governments or the local head will know about those problems, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको उन problems के बारे में ज़्यादा पता है, राइट. तो इस वजह से ये जो गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकती हैं, वो एक पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती हैं, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स बनाई गई, ठीक है, क्योंकि ये लोकल पीपल के ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है, उस वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, ये ज़्यादा पीपल फ्रेंडली है, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में इनको ज़्यादा पता है, दैट इज़ वाई वी फॉर्म्ड लोकल गवर्नमेंट्स. Next is the advantage of local government is that this is so near to the people that it is convenient for the people to approach, ठीक है, हमें कोई भी problem आती है उसी time पे जो rural people होते हैं they approach the सरपंच, ठीक है, but MPMLA they are not available all the time, in fact most of the times they are not available, so we cannot approach them, और अगर approach करना भी है, ठीक है, तो दूर जाना पड़ेगा, ठीक है, तो that is costly. Whereas जो local leaders हैं उनके पास हम एक तो जल्दी पहुंच सकते हैं एंड also with minimum cost, ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, ठीक है, so this is another reason why we preferred local governments. Next is democracy is about meaningful participation, ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, द गवर्नमेंट फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, पीपल पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और वो जो पार्टिसिपेशन है वो लोकल गवर्नमेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो जो पार्टिसिपेशन का मीनिंग है, ठीक है, वो फुलफिल ही होता है इस लोकल गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट के साथ. Common people are more familiar with the local government than with the government of the state or national level, ठीक है, तो ये जो common people है ना उनका जो वो वैसे भी उनकी जो ज़्यादा आप you everybody must know कि जो हमारे पंचायत है हम उनके साथ familiar होते हैं, ठीक है, it's like एक family जैसी चीज़ हो जाती है, एक गाँव में सारे जो लोग रहते हैं, ठीक है, उन सब का रहना, उनके एक head सरपंच होते हैं, so it is a फैमिली काइंड ऑफ सिचुएशन, तो उस वजह से प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है, तो एक तरह से ये जो लोकल गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट है इसीलिए हमने प्रेफर किया, ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे डेमोक्रेसी को, हमारी जो पीपल पार्टिसिपेशन है, ठीक है, लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो लोकल गवर्नमेंट्स ही सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए ड्यू टू ऑल दीज फीचर्स वी प्रेफर्ड लोकल गवर्नमेंट्स. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया. तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया उस टाइम पे लोकल ये जो गवर्नमेंट्स थे इसके बारे में कुछ भी मेंशन्ड नहीं था, ये जो चीज़ें हैं ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आई थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स 1992. तो 1992 में ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई, बट उससे पहले जब एंशंट इंडिया में हमारी कुछ विलेज असेंबलीज एग्जिस्ट करती थी, तो आपने एंशंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा सभाज समितिज, ठीक है, तो वो सारी विलेज असेंबलीज ही थी. तो इन दी एंशंट टाइम्स दीज विलेज असेंबलीज यूज्ड टू एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सभाज एंड समितिज. उसके बाद दीज सभाज दे कन्वर्टेड और दे टुक द शेप ऑफ पंचायत, जिसको क्या कहते थे, पंचायत क्या है, पंच, पांच लोग, एन असेंबली ऑफ फाइव पीपल. दो देन पंचायत्स दे केम इन टू द पिक्चर. सो फ्रॉम टाइम टू टाइम पंचायत्स यूज्ड टू एग्जिस्ट बट विद डिफरेंट नेम्स एंड विद डिफरेंट फंक्शंस. सो देयर रोल एंड फंक्शंस दे केप्ट चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट आफ्टर 1882 हमारे जो वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, प्लीज़ रिमेंबर दिस नेम लॉर्ड रिपन, इनको फादर ऑफ इंडियन लोकल गवर्नमेंट भी बोला जाता है एंड मेनी अ टाइम्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट हु इज़ द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन इंडिया. सो द आंसर इज़ लॉर्ड रिपन. तो हमारे ये जो वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दिया दैट ये जो लोकल गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट है दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. उनको समझ में आ गया था कि ये जो लोकल गवर्नमेंट्स है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम कर सकते हैं,
इसीलिए ही इम्प्लीमेंटेड दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, इसीलिए उनको हम बोलते हैं द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स इन इंडिया। तो इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे प्रोविंसेस में लोकल गवर्नमेंट्स को ही एस्टैब्लिश्ड, बट ड्यू टू स्लो प्रोग्रेस इन दिस रिगार्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू मेक ऑल लोकल बॉडीज मोर इफेक्टिव। उन्होंने बना तो दी बट इतनी इफेक्टिवली वो काम नहीं कर रही थी, तो इसीलिए हमारी जो उस टाइम की पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने भी अर्ज किया वॉइसरॉय को दैट गिव देम मोर पावर्स। इसलिए हमारी जो बाद में एक्ट्स आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इन एक्ट्स के थ्रू हमारी जो पंचायत्स थी उनको काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस अलॉट हुए, उनको काफ़ी ज़्यादा पावर्स दी गई। सो बेसिकली मॉडर्न इंडिया में हमारे जो पंचायत थे दे बिकेम एस्टैब्लिश्ड, और जो लॉर्ड रिपन थे ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स। सो दिस इज लॉर्ड रिपन, दिस इज़ द इमेज शोइंग लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट महात्मा गांधी हैड स्ट्रॉन्गली प्लीडेड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल पावर। तो हमारे जो महात्मा गांधी थे ही ऑलवेज हैड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ही ऑलवेज सपोर्टेड लोकल गवर्नमेंट्स, ही बिलीव्ड दैट स्ट्रेंथनिंग विलेज पंचायत्स वॉज अ मीन्स ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन। I told you what is the meaning of decentralization. Powers एक जगह इकट्ठी ना रहना, centralized ना रहना, उसको divide कर देना in various levels. So महात्मा गांधी believed in this decentralization and he said that village panchayats, this is the way of this effective decentralization. He said that all the development initiatives must have local involvement. उनको पता था कि अगर डेवलपमेंट करनी है तो वो लोकल लेवल पे होनी चाहिए, और लोकल लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए वी नीड लोकल गवर्नमेंट्स। ही सेड कि ये जो सारे हमारे डेवलपमेंट प्रोसेसेस हैं वो तभी इफेक्टिवली इनिशिएट हो पाएंगे, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, और तभी उनका कुछ आउटपुट निकलेगा अगर लोकल पार्टिसिपेशन होएगी। सो बेसिकली जो महात्मा गांधी थे ही हैड अ फर्म बिलीफ इन द लोकल पंचायत्स। सो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 4 है जिसमें क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट चैप्टर। तो हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो जस्ट एक डायरेक्शंस हैं। तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो आर्टिकल 40 था उसमें ये लिखा था कि जो हमारे स्टेट्स हैं उनको जो विलेज पंचायत्स हैं वो ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, बट सिंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसिएबल सो इट वॉज अप टू द स्टेट्स कि वो विलेज पंचायत्स बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते। सो बिकॉज ऑफ दिस इन मैनी स्टेट्स विलेज पंचायत्स वर फॉर्म्ड एंड इन मैनी स्टेट्स दे वर नॉट फॉर्म्ड। सो बेसिकली एडिक्वेट जो इम्पोर्टेंस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट को नहीं दी, क्योंकि सिर्फ DPSMEs में लिख दिया। ठीक है, सो फर्स्टली द टर्मोइल ऑफ द ड्यू टू पार्टीशन रिजल्टेड इन स्ट्रॉन्ग यूनिटरी इंक्लिनेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो रीज़न क्या था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, दिस ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन फेडरलिज्म। जब हमने ये देखा कि चाहे हमने फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया है स्टिल वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो सिमिलरली क्योंकि सेंटर को ही स्ट्रॉन्ग बना दिया, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ज़्यादा पावर्स नहीं दिए, सो देर वॉज नो पॉइंट इन फॉर्मिंग लोकल गवर्नमेंट्स। तो इसीलिए वो जो रीजंस थे कि उस टाइम पे जो हमें पॉवर्टी जैसे इश्यूज़ थे, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ थे, या फिर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क्स, बहुत ज़्यादा वेलफेयर वर्क्स हमने करने थे, या फिर जो पार्टीशन की वजह से टर्मोइल था जो इतनी ज़्यादा उस टाइम पे एवरीबडी नोज देयर वाज अ लॉट ऑफ टर्मोइल, तो वो सारी सिचुएशन को, वो सारी वॉयलेंट सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हमने जो पावर थी थोड़ी बहुत सेंट्रलाइज्ड रखी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसीलिए उस टाइम पे हमने लोकल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी।
Next is the local governments in independent India. So we have already read that ancient times में village assemblies used to exist, जिनको हम सभाज या समितिज बोलते थे. उसके बाद भी ये पंचायत की फॉर्म में आ गई, और उसके बाद हमारे जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली किया. अब इंडिपेंडेंट में इंडिया में क्या हुआ, तो सबसे पहले 1952 में, अभी तक ये ध्यान रखो कि अभी तक जो हमने वो पंचायत आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, म्यूनिसिपल काउंसिल्स जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं, वो अभी नहीं आई हैं. वो जो अमेंडमेंट्स हैं वो 73rd और 74th अमेंडमेंट्स हैं, जिससे ये आज वाला स्ट्रक्चर है वो हम फॉलो करते हैं, और वो 1992 में आया था. उससे पहले क्या था, बस DPSPs के आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था कि जो स्टेट्स हैं उनको विलेज पंचायत जो है वो फॉर्म करनी चाहिए, बट क्योंकि वो स्टेट के डिस्क्रिशन थी तो कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने विलेज पंचायत्स को बनाया, कुछ स्टेट्स ने नहीं बनाया. और कुछ स्टेट्स ने विलेज पंचायत्स को बनाया बट उनको ज़्यादा फंडिंग नहीं दी, या फिर उनको ज़्यादा फंक्शंस दिए ही नहीं. सो बेसिकली कुछ एक इनइक्वालिटी जैसी सिचुएशन थी, एक यूनिफॉर्म सिचुएशन नहीं थी थ्रू आउट द कंट्री. सो उससे पहले क्या था, उससे पहले कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते थे इन 1952, जिसमें क्या था, विच सॉट टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल डेवलपमेंट इन अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़. तो इन प्रोग्राम्स के थ्रू, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू पीपल पार्टिसिपेशन इट वॉज डिमांडेड. और कुछ बैकग्राउंड में 3-tier पंचायती राज सिस्टम्स वो स्टार्ट हो गए. तो कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उन्होंने ये सिस्टम अडॉप्ट किया, उन्होंने 3 level पे पंचायती राज सिस्टम को इस्टेब्लिश किया. बट वही जैसे मैंने बताया, कुछ स्टेट्स ने किया बट उनको ज़्यादा पावर्स या फिर फंक्शंस नहीं दिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी. और कुछ स्टेट्स ने तो बोला कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इस्टेब्लिश इलेक्टेड लोकल बॉडीज़. और बहुत बार ये होता था कि लोकल बॉडीज़ को ऐसे डिजॉल्व कर दिया जाता था एंड द लोकल गवर्नमेंट वॉज हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स. तो इंडिपेंडेंट इंडिया में ये सारी सिचुएशन चल रही थी, किसी स्टेट में थी लोकल गवर्नमेंट्स, किसी में नहीं थी. और जहाँ पे थी वहाँ उनको ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं थी, या फिर उनको ज़्यादा पावर्स या फंक्शंस नहीं दिए गए थे. सो आफ्टर 1987 अ थरो रिव्यू ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वॉज इनिशिएटेड. अब दो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वॉज कंटिन्यूइंग, स्टिल हमारी जो गवर्नमेंट्स थी उनको पता था कि लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं उनका होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि लोकल गवर्नमेंट्स क्यों होनी चाहिए, कैसे लोकल गवर्नमेंट्स जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसको ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और उसको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. इसीलिए फ्रॉम टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा कमेटीज़ बनाई गई, जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी, देयर वॉज अशोक मेहता कमेटी. तो बहुत ज़्यादा कमेटीज़ टाइम टू टाइम फॉर्म करी गई, और कुछ ने रेकमेंड किया दैट येस, हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक प्रोविज़न डाल देना चाहिए कि पंचायत जो हैं वो सारे स्टेट्स में बन जानी चाहिए. तो फाइनली हमारी जो एक कमेटी थी, PK थंगन कमेटी, प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ दिस कमेटी. सो फाइनली इन 1989 द PK थंगन कमेटी रेकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़. तो इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन दे दो. अब देखो, पहले तो क्योंकि सिर्फ DPSPs में लिखा गया था, तो ऑब्वियसली दैट वॉज नॉट bound on the states to form local governments. अब अगर हम उसको constitution में ही लिख देंगे, then obviously every state will be bound to form local governments. तो इसीलिए PK थंगन कमेटी ने recommend किया कि हम इस चीज़ को constitutional recognition दे देते हैं. और उन्होंने ये भी बोला कि ये जो local bodies होंगी इनके टाइमली इलेक्शंस होंगे, और इनको प्रॉपर फंक्शंस दिए जाएंगे, और इनको प्रॉपर फंड्स दिए जाएंगे, सो दैट दे विल बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. सो प्लीज़ रिमेंबर द नेम ऑफ दिस PK थंगन कमेटी. तो अभी तक हमने क्या देखा, एंशिएंट इंडिया में क्या स्टेटस था, फिर उसका क्या स्टेटस आ गया मॉडर्न इंडिया में, एंड देन इंडिपेंडेंट इंडिया.
नेक्स्ट इज 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स. सो फाइनली 1989 में ये दो अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस हुई. ये जो हमारी 73rd अमेंडमेंट है ये रूरल बॉडीज से रिलेट करती है, जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं. ये अमेंडमेंट कहती है कि रूरल एरियाज़ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, पंचायत्स होनी चाहिए. और जो 74th अमेंडमेंट है वो अर्बन एरियाज़ के बारे में बात करती है, दैट अर्बन एरियाज़ में नगर पालिकाज़ होनी चाहिए, या फिर जैसे हम कहते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस. तो जो 73rd अमेंडमेंट है वो डील करती है रूरल एरियाज़ के साथ, और जो 74th अमेंडमेंट है इट डील्स विद द अर्बन एरियाज़. सो फाइनली these both amendments they were passed in 1992 and they came into force in 1993.